यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावन चारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद शील प्रभुपद नीताय गौर हरिवो हरिवो हरिबोल गौर हरिवो श्री राधा माधव भगवान की पंच तत्व की नरसिंहदेव भगवान की प्रहलाद महाराज की शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम
क्लास का शुभारंभ करने से पहले आइए हम श्लोक की आवृत्तिकरण करें हमारे परंपरा के अनुसार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। आप सभी हमारे पीछे दोहराइए। तथेव चान्यं नरलोक वीरा, तथेव चान्यं नरलोक वीरा, आह्वे कृष्ण मुखारविंदम्, नेत्रे पिबन्तो नयाभिरामम्, पार्थं स्त्रपूत पद्मापुरस्य, तथेव चान्ये नरलोकवीरा, आहवे कृष्ण मुखारविंदम्, नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम्, पार्थस्त्रपूत पद्मापुरस्य, तथेव चान्ये नरलोकवीरा, आहवे कृष्ण मुखारविंदम्, नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम्, पार्थस्त्रपूत पद्मापुरस्य। तथेव चान्ये नरलोक माता जी। अर्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की तथा भी एवच तथा निश्चय ही अन्ये अन्य नरलोक मानव समाज वीराहा योद्धा ये जो आहवे
युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र की। कृष्ण भगवान कृष्ण का मुखारविंदम कमल के फूल जैसा मुंह, नेत्रे नेत्रों से पिबंतः देखते हुए, नयन अभिरामम आँखों की अतीव अच्छा लगने वाले पार्थ अर्जुन के अस्त्र पूतः बाणों से शुद्ध हुआ पदम धाम आयुः प्राप्त किया। अश्यः उनका अनुवाद इस प्रकार है, आप सभी हमारे पीछे दोहराए। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आँखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तात्पर्य इस प्रकार है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस जगत में दो उपदेशों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का अनेक द्वारा उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना श्रद्धावान की रक्षा के लिए किए जाने वाले कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमलवत मुख का दर्शन किया था, इसी तरह भगवान भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाला यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुषुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा जिससे उनका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तादत्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को तटस्थ अन्य लोग जो तटस्थ थे, जो न तो मित्र थे न शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यत किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहां उनके स्वंश निवास करते हैं वे वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहां भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं, जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोक जाते हैं। किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है वो वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है जबकि गोलोक में उनकी सेवा स्नेह भाव में की जाती है। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहां पर पार्थस्थ पुतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान कृष्ण की सुंदर मुखाकृति देखी थी उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों से प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य प्रकट हुए हैं और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करने की सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवद गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में भगवान ने
अर्जुन ने अपने निर्णय से समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उपदेश से सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ नहीं होता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना चाहे जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार से तुल्य था। जो ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाता, वह शत्रु और भौतिक कलमश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने के पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति निर्विशेष दशा में नहीं अपितु वैकुंठ लोक भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया था, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश में लोकों में भेज दिए गए। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी शून्य है, क्योंकि उन लोगों को वैकुंठ मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के तीरोधान का शोक करते रहे। श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, वंशात कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं इस्कॉन मायापुर के सभी वैष्णव भक्तों का, जिनकी कृपा से आज हमें भगवान के गुणगान करने का एक शुभ अवसर नए साल में मिला है। भगवान श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी के चरणों में वंदन, पंच तत्व प्रभु के चरणों में वंदन, भगवान नरसिंहदेव और शिल प्रभुपाद जी के चरणों में वंदन, और समस्त वर्तमान आचार्य गणों के श्री चरण में कोटि कोटि वंदन, और आप सभी वैष्णव के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। बहुत सुंदर श्लोक है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के विरह का आस्वादन कर रहे हैं। हालांकि उद्धव जी भगवान से बहुत नजदीक रहे हैं और भगवान के द्वारा ये भागवत का श्रवण भी हुआ है। इस श्लोक में उद्धव जी अपने आप को निम्न बना रहे, अपने आप को एकदम तुच्छ कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उद्धव शोक कर रहे थे। क्या शोक कर रहे थे? कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जो योद्धाओं से भी शून्य न्यून था, क्योंकि उन लोगों ने वैकुंठ की प्राप्ति कर ली थी, जबकि उद्धव भगवान के इस तिरोधान का शोक कर रहे थे। खूब सुंदर भाव से उद्धव भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। क्या स्मरण कर रहे थे? तथेव न अन्यम नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखार विंदम। अगले सभी श्लोकों में उद्धव भगवान कृष्ण की महिमा का स्मरण कर रहे थे, इसलिए इस अध्याय का नाम भी भगवान कृष्ण का स्मरण है। और इसी भगवान के एक एक स्मरण को उद्धव याद कर रहे, क्योंकि भगवान जब अपने धाम स्वधाम चले गए तो भगवान की याद में उद्धव अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी भाव के अंतर्गत एक श्लोक आज हम जो विश्वास श्लोक है तीसरे अध्याय का, तीसरे स्कंद दूसरे अध्याय का, जिनका हम श्रवण कर रहे हैं। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद और भगवान के स्वरूप का वर्णन है। उद्धव जी कह रहे हैं कि तथेव न अन्य नरलोक भी रहा। तथेव यानी भी, यानी और भी क्या है? निश्चय ही
अन्य यानी अन्य लोग, नरलोक यानी मानव समाज के वीर जो योद्धा थे, यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम। आहवे का अर्थ होता है युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में। जब अन्य योद्धा थे जिन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, कृष्ण को नहीं देखा, कृष्ण के मुखारविंद को देखा, तो क्या हुआ? नेत्रे पिबंत, इस भगवान के नेत्र को पिया, और नयना अभिरामम, अपने नयनों से क्या हुआ? पार्थस्त्रपूत पदमा पुरुष, पार्थ यानी अर्जुन के रथ को चलाने वाले भगवान कृष्ण के मुखारविंद को देखकर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी योद्धा खड़े थे, भगवान के चेहरे को देखकर जिनका निर्वाण हुआ, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उन सबको क्या प्राप्त हुआ? भगवत धाम मिल गया। यानी जो प्रतिस्पर्धी थे उनको भी क्या मिल गया? भगवत धाम मिल गया। क्यों? क्योंकि भगवान सामने थे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान का अवतरण दो कारण से होता है, परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय दुष्कृताम, यानी संतों की रक्षा करना और असुरों को मारना। परंतु भगवान का मुख्य कारण यही होता है कि वैष्णव पर कृपा करना। भक्तिनो ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुन, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोयलो सुविस्तार। इस संसार, इस प्रपंच जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए जीव को मुक्त करने के लिए भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, इस प्रपंच जगत से मुक्त होने के लिए, और अपनी लीला का विस्तार करते हैं। तो भगवान असुरों को मारना भगवान को दाहिने हाथ का काम है। भगवान के स्मरण मात्र से, भगवान अपने धाम में बैठकर स्मरण मात्र से असुर को मार सकते हैं। भगवान को यहां पर आकर असुर को मारने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान के आने का मुख्य कारण, किसी भी कोने में कोई शुद्ध भाव से भजन कर रहा है उस भक्त को दर्शन देना, और अपनी लीला का विस्तार करके जो आने वाले भक्त हैं, वो भक्त जब भगवान की लीला का स्मरण करे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाए, और जब उनका चित्त शुद्ध हो जाए, उनका हृदय, उनका मन जो मलिन है, वो पवित्र होने के बाद वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान के आने का कारण है। श्री प्रभुपाद जी यही कहते हैं, जो श्रद्धावान जो लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए और दुष्ट का संहार करने के प्रभु भगवान आते हैं। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान तो खाली अर्जुन तो माध्यम थे, परंतु यह सब कौन कर रहा था? कृष्ण ही कर रहे थे। लगाम हाथ में पकड़ी थी, खाली घोड़ों की लगाम नहीं थी, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने भी योद्धा खड़े थे उन सब का रिमोट कंट्रोल भगवान कृष्ण के हाथ में था। कब कौन सा रिमोट कंट्रोल दबाए हो, परंतु बनाया किसे माध्यम था? जिस प्रकार से जो गोपाल होता है, जो गाय की सेवा करने वाला होता है, और जो दूध को निकालने वाला होता है गोपाल, तो क्या करता है कि गाय के सामने को बछड़े को सामने खड़ा कर देता है, और बछड़े को देखकर गाय के अंदर इतना स्नेह आ जाता है, वो स्नेह से अपने स्नेह के कारण अपने स्तनों से दूध निकालने लगती है, और फिर थोड़ा बछड़ा पीता है, और बाकी सब हम सब के लिए होता है ना। वो तो खाली बछड़े तो खाली रखने के लिए होता है, बाकी दूध तो हमारे लिए होता है। वैसे ही भगवान कृष्ण ने सर्व उपनिषदों गायो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता तद गीतामृतम महत। ये जो वत्स बछड़ा, जो पार्थ है, अर्जुन है, वो तो दिखाने के लिए है, परंतु हो क्या रहा है कि खाली दिखाया, पार्थ को कृष्ण के सामने रखा, और तद गीतामृतम महत, और गीतामृत रूपी जो अमृत बाहर निकला, जो दूध निकला, वो तो अर्जुन को हटाकर किसे किसके लिए था? हम सब के लिए था। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, पर भगवान यश किसे प्रदान करते हैं? भक्त को ही देते हैं। यानी श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अर्जुन को माध्यम बनाकर, हालांकि युद्ध भगवान कृष्ण ने ही किया था, पर अर्जुन क्या थे? क्या थे? माध्यम थे। क्योंकि भगवान ही कालो अहम अस्मि, मैं काल हूं, और भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को माध्यम बनाकर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी अधर्मी थे उनका विनाश किया, पर विनाश नहीं किया, पर क्या किया, यहां पर वो याद कर रहे, उद्धव जी अपने आप को एकदम छोटा बनाकर कह रहे थे कि क्या सौभाग्य है कुरुक्षेत्र के मैदान के लोगों का कि वहां पर भगवान नित्य सामने थे। और क्या किया था वहां पर जाकर, नेत्र पिबंतम नयनो अभिरामम, इस नयन से भगवान के मुख को, मुख के दर्शन को पिया था। ऐसा नहीं कि कोई जूस को हम पी सकते हैं, नहीं, भगवान के दर्शन को हम अपने नयन से पी सकते, क्योंकि ये जो आंख है सबसे बड़ा कैमरा है और हमारा मन है वो रील है ना। तो इस आंख से भगवान का दर्शन करे और मन रूपी रील में इतना फिट कर दे कि जब अंत समय आए, यम यम व्यापी स्मरण भावं त्वजन्ते अंत काले च मामेव स्मरण त्वक्त्वा कलेवरम, अंत समय में के मृत्यु के समय जब हम अपना प्राण छोड़े तो आंख, भले आंख हमें न दिखे, आंख बंद हो, हम कोमा में हो, परंतु अगर हमारे मन में अगर भगवान कृष्ण के दर्शन की छाप हो तो अंत में भगवान कृष्ण का स्मरण आ ही जाएगा, निश्चित आ ही जाएगा। तो यहां पर उद्धव जी अपने आप को एकदम छोटा बना है, छोटे नहीं, भगवान कृष्ण के झूठे कपड़े को उच्छिष्ट उद्धव जी पहनते थे और कृष्ण के मन को जानने वाले कौन है, उद्धव जी, यानी अपने सब सीक्रेट बात भगवान किसे बताते थे, उद्धव जी को। इसलिए भगवान जब द्वारिका में थे और द्वारिका में रहते हुए भी शरीर से तो वहां थे पर मन कहां था, ब्रज में था, राधा रानी को, गोपियों को इतना याद करते थे, ग्वाल बाल सखा नंद यशोदा को, कि सोते समय रात्रि के समय में भी हे बाबा, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, हे राधे, हे मधुमंगल, इन सब सखाओं को याद करते थे। तो फिर सब रानियों ने पूछा कि 16,108 रानियां हम हैं और आप सब ब्रजवासी को क्यों याद करते हो, भगवान ने कहा आप नहीं समझोगे। और एक दिन ऐसी घटना हुई, प्रतिदिन की तरह मां देवकी भगवान को भोग लगाती है, रोहिणी, और भोजन देती थी, पर उस दिन भगवान कृष्ण को भोजन में मक्खन दे दिया द्वारिका में, और मक्खन देखकर ही भगवान को सब कुछ याद आ गया। सबसे पहले यशोदा आ गई, यशोदा भियो लोक लाब्धव मानम परामृष्टम अत्यंतो द्रुत्य गोप्या, याद है यशोदा मैया ने जो मंथन करके जो माखन कृष्ण के लिए, वो यशोदा याद आ गई, और याद आ गई गोपिया, जो गोपियों प्रेम से कृष्ण के लिए मक्खन को मटके में लटका कर रखती थी कि आएगी आज हमारे घर कृष्ण आएंगे, पर जो भाव से खिलाने के लिए तैयार होती ना उनके घर ही कृष्ण आते, बाकी भोजन तो हम सब पूरी दुनिया वैष्णव तो देखा कि भगवान आकर सब चट कर दिए, नहीं, पर जो भाव से खिलाते भगवान उनके घर आते हैं। हम सब प्रोसेस की प्रक्रिया में है, हम कोई शुद्ध नहीं है पर प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने मक्खन को देखकर ब्रज की याद आ गई और कृष्ण बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। तब उद्धव जी ने कहा, देवकी ने कहा कि हे उद्धव जरा जाओ, कृष्ण क्यों दुखी हो गए, क्यों रोने लगे। और जैसे ही उद्धव जी गए, और उद्धव जी जाकर जैसे गए तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को आलिंगन कर दिया और कहा कि उद्धव मां को कहना कि भोजन में कुछ भी दे पर मक्खन ना दे, क्योंकि जब मैं मक्खन को देखता हूं तो मुझे व्रज याद आ जाता है, मुझे यशोदा याद आ जाती है, मुझे नंद बाबा याद आ जाते हैं, मुझे मेरी गाय गोमाता याद आ जाती है, मुझे गोपियां याद आ जाती है, मुझे मेरे गोप याद आ जाते हैं जो मक्खन खिलाते एक दूसरे को, ब्रज की याद, मैं उनको कभी भूला नहीं पा रहा हूं, जैसे मक्खन को देखा तो वापस हो। इसलिए उद्धव आज के बाद कहना मां को कि कभी मुझे भोजन में मक्खन ना दे। ऐसी अपनी सीक्रेट बात को कृष्ण कहते थे उद्धव। ये उद्धव यहां पर भगवान के अप्रकट होने के समय भगवान की लीला का स्मरण कर रहे थे। इतने नजदीक होने के बावजूद भी उद्धव अपने आप को एकदम निम्न समझ रहे और हम कुछ भी नहीं, फिर भी अपने आप को महान समझ रहे कि मैं तो ये कर रहा हूं, प्रभु जी मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। श्लोक चला जाता है, तृणादपि सुनिचेन
गायब हो जाता है। खाली दिखावे के लिए हम प्रणाम करते हैं, यंत्र के रूप में वांछात कल्पतरु वस्य कृपा सिंधु। शब्द से हम शरणागत है पर भाव से नहीं है, इसलिए हमारे अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। शुद्ध कृष्ण प्रेम तभी प्रकट होगा जब हम शुद्ध भाव से, समर्पण भाव से वैष्णव को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें। तो यहां पर एकदम उद्धव जी अपने आप को निम्न बता रहे, किंकर बता रहे। प्रभुपाद जी ने यही कहा कि हम दास दासन उदास है, पर हम क्या होते, थोड़े समय दास हो जाते फिर क्या हो जाते, बॉस हो जाते। थोड़े समय दास रहते दीक्षा के समय, ये फलाना दास ये दासी, पर जब हम थोड़े सीनियर हो जाते बड़े हो जाते, थोड़ी हमारे अंदर हमको लोग सुनने लगते हैं, जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या समझते, बॉस नहीं, अपने अंदर कुछ दम तो है भाई, इतने लोग सुन रहे तो दम तो है ना, यानी दासत्व का भाव चला जाता है। और बॉसत्व जिनके कारण हमारा पतन हुआ है, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत, हमारा पतन क्यों हुआ है कि हम अपने आप को स्वामित्व का भाव था हमारे, यानी भोगने का भाव था। पर भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक, भोक्ता तो कृष्ण ही है, पर जब जीव अपने आप को भोक्ता समझने लगता है तो इस संसार में उनका अना होता है। तो यहां पर भोक्ता कब समझता है, जब अपने आप को स्वामी समझे, बॉस समझे। और जब तक हम अपने आप को बॉस समझते रहेंगे तब तक हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। जब हम अपने आप को दास 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 दासनुदास समझेंगे तो भगवान के सबसे नजदीक आ जाएंगे। भगवान के सबसे नजदीक आना है तो क्या करना है, सबसे पीछे चले जाओ। आगे रहने वाले भगवान से दूर होते हैं, भले हम देखते हैं कि एक तो सबसे आगे है, पर जो अपने आप को दासत्व के भाव से पीछे खड़े रहकर भी वो भगवान के नजदीक हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में नजदीक से दर्शन नहीं किए थे, गरुड़ स्तंभ से दर्शन किए थे। दास दासानुभाव दास, यह भाव ही हमारा मूल भाव है। जब इस भाव को हम भूल जाते हैं तो उन भूल का दंड हमें क्या मिलता है, जन्म मृत्यु। तो यहां पर उद्धव जी हमें इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा दे रहे कि हम अपने आप को भी बहुत निम्न समझे, और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं यहां पर उद्धव जी कि देखिए देखिए क्या सौभाग्य है कुरुक्षेत्र के युद्ध करने वाले योद्धा का, जिन्होंने भगवान के दर्शन करते करते अपने प्राण को त्याग दिए, जो असुर थे अधर्मी थे अधर्म का पक्ष लिए थे फिर भी उनके प्राण त्याग दे, वो मर गए फिर भी उनको क्या मिला, वैकुंठ। पर मेरा इतना दुर्भाग्य है प्रभुपाद जी, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मैं इन लोगों की तरह नहीं, मैं एकदम पापी, अपने आप को एकदम निम्न समझ रहे, शोक कर रहे उद्धव। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य की अंतिम लाइन में बहुत सुंदर यही कहा है कि उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका पद, यानी वो जो है उनका जो लेवल है, उनका लेवल कुरुक्षेत्र के योद्धा से भी एकदम छोटा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वैकुंठ मिल गया और मैं भी यहां बैठे बैठे भगवान का स्मरण कर रहा हूं, एक इतना सौभाग्य है। यानी भगवान का दर्शन करना ही सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, भगवान का दर्शन करने। सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला, सुशीला ने बहुत कहा कि आप जाओ कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाओ, नहीं कृष्ण के पास जाओ। सुदामा जानते थे कि मैं वहां पर जाऊंगा तो कृष्ण मुझे कुछ देंगे और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बिना पगार वाला भक्त हूं, है ना। हम सब भजन करते तो क्या होता है, कुछ ना कुछ मांगने के लिए भजन होता है ना, शुद्ध तो नहीं होता भजन करते, मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए। पर गोपियां क्या गाती है, शरद उदास क्या गाते हैं, साधु जात सिर से जो दर श्री मृषाद्रषा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्न तो नेह किम वध
हैं कृष्ण, हम आपके कैसे दास हैं, अशुल्क दासिका। जैसे निःशुल्क भोजन होता है ना, कुछ लिया नहीं जाता फ्री में, वैसे एक साधक, एक भक्त को भगवान की भक्ति निःशुल्क करनी चाहिए। हम तो कितनी डिमांड लगकर हम भजन करें, कितनी डिमांड होती है, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, पर हमारा भजन क्या होना चाहिए, निःशुल्क। अहेर तुकी सवै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अध्यक्ष जे अहेर तुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हमारा भजन हेतु बिना, स्वार्थ बिना होना चाहिए बस, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो। और यहां पर प्रश्न हो सकता है कि अधर्मी थे, अधर्म के पक्ष में थे, फिर भी उनको वैकुंठ मिला। बहुत ध्यान से, यानी भगवान के मुखारविंद की महिमा को बता रहे कि क्या सौभाग्य, तथेव च अन्य नरलोक वीरा, जो मानव समाज में जो वीर योद्धा थे, यह आह वे कृष्ण मुखारविंदम, भगवान कृष्ण के मुखारविंद को देखकर क्या हुआ, पार्थस्त पूत पदम पुरुष, श्रेष्ठ पद को यानी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अधर्म के पक्ष में लड़कर, भगवान के भक्त के विरोधी में रहकर भी अगर भगवान का दर्शन करते हुए ऐसे अपराधियों को, असुर को अगर वैकुंठ मिल जाता है, तो सोचो कोई प्रेम से भगवान का दर्शन करे तो उनको क्या मिल जाएगा, है ना, बड़ी बात है। यहां पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ऐसे शिशुपाल भी भगवान का विरोधी था, पर शिशुपाल को ब्रह्म ज्योति सायुज्य मुक्ति मिली, पर यहां पर इनको क्या मिला, भगवत धाम वैकुंठ मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और भाव से दर्शन करने के कारण प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंदर से भक्ति जागृत हो गई, जो हमारी सुसुप्त अवस्था में भक्ति थी वो क्या हो गई, और जैसे भक्ति जागृत हो गई तो भगवान के साथ उनका प्रेम हो गया। तो फिर भले युद्ध किया, पर किसे देखकर युद्ध किया, कृष्ण को देखकर, और कृष्ण को देखकर युद्ध करने के कारण उन सभी योद्धाओं को क्या प्राप्त हो गया, भगवत धाम हो गया। जो एकदम भगवान के विरोधी थे, फिर भी उनको भगवत धाम, भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। और उन कौरवों में से सबसे बड़े, यानी योद्धा भी सबसे बड़े थे पितामह भीष्म। भीष्म ने भी अपने शरीर को त्यागते हुए किसे याद किया, कृष्ण को ही याद किया। और पितामह भीष्म ने अपनी स्तुति में भी ये कहा, स्तुति में जब स्तुति कर रहे थे मरते समय पितामह भीष्म भगवान कृष्ण की, तो स्तुति में भी ये कहा, सगति मुकुंदा, हे प्रभु मुझे मालूम है, मरते हुए बाण शैया पर मरते हुए पितामह भीष्म ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो जो अधर्म यानी कौरव पक्ष में जो भी मरे उन सबको मुकुंद गति, उनको वैकुंठ मिला है। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन, आपकी उपस्थिति थी, और भगवान की उपस्थिति के कारण सब चीज हो सकता है। क्या सौभाग्य है हमारा। सोचो हम तो भगवान के धाम में बैठे हैं, भगवान के निकट बैठे हैं, और भगवान को अति प्रिय उनके भक्त के निकट बैठे हैं। यानी दुनिया के सब संसार में ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली वो जीव है जिनको मायापुर धाम में वास मिला है। खाली मैं भारत की बात नहीं कर, पूरे ब्रह्मांड की, क्योंकि देवता भी तरस रहे कि हमें भी क्या मिले, भक्तों का संग मिले, भागवत सत्र मिले, भागवत प्रवचन मिले, कृष्ण की कथा मिले। इसलिए तो स्वर्ग को छोड़कर आए थे ना अमृत पिलाने के लिए परीक्षित को, यानी वहां भी ये भागवत प्रवचन नहीं चलता है, वो भी चाहते कि हमें भागवत प्रवचन सुनने के लिए मिले। तो वास्तव में ये ब्रह्मांड के सबसे बड़ी सौभाग्यशाली जीव है जिनको मायापुर में वास मिलता है, क्योंकि साक्षात प्रत्यक्ष गौरहरि यहां पर नृत्य कर रहे हैं। अगर स्मरण मात्र से विरोध पक्ष में रहकर भी अगर महाभारत के योद्धाओं को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वैकुंठ मिल सकता है, तो मायापुर धाम में भजन करने वाले को क्या मिलेगा, आप सोचो। हम गिनती ही नहीं कर पाएंगे, है ना, वो कैलकुलेशन के बाहर ही चला जाएगा हमारा, क्योंकि ऐसे लोगों के मिल जाता है, अहो बकियम स्तनकाल कूटम,
अगर पुतना को भगवान अपनी माता का स्थान दे सकते हैं, तो प्रेम से भजन करने वाले को भगवान क्या दे सकते हैं, सोचो आप कितना अच्छा सौभाग्य है। और इस श्लोक में उद्धव जी भगवान के गुणगान, प्रभु आपका मुखारविंद इतना सुंदर है, इसलिए कुंती महारानी भी भगवान को प्रार्थना करती हैं, क्या नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने, है ना, नमस्ते पंच अंद्रिये, यही प्रार्थना करती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय, हे प्रभु आपके चरण कमल को हम प्रणाम करते हैं, आपकी नाभि को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले वैष्णव परंपरा में प्रणाम चरणों से होता है, परंतु यहां पर कुंती महारानी ने कहां से प्रणाम शुरू किया, नमः पंकज नाभाय, नाभि से। हमारे आचार्यगण के दो कारण थे, एक तो भगवान रथ पर खड़े थे और कुंती नीचे खड़ी थी, तो क्या दिख रहा था, भगवान की नाभि दिख रही थी, और दूसरा कारण यह था कि कुंती महारानी ने नाभि को देखकर सबसे पहले नाभि को प्रणाम किया, इसलिए किया कि प्रभु पूरा ब्रह्मांड का अवतरण आपकी नाभि से ही हुआ है, पूरी दुनिया का प्रागट्य कहां से हुआ है, आपकी नाभि से। सबसे पहले नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नेत्राय, आपके चरण को, आपकी आंख को, जो आंख कैसी है, पंकज यानी कमल के पुष्प की तुलना की, भगवान की आंख कैसी है। और गोपी गीत भी, गोपी गीत, गोपियों गोपी गीत में भी गाते हैं, ते अधरामृतम, हे प्रभु आपके चेहरा ऐसा है कि आपके आंखों को देखकर हम इतनी लीन हो जाती हैं कि न युगातम निमिषेणम चक्षुषा, क्योंकि वही गोपी भाव में महाप्रभु जब जगन्नाथ को देखते हैं समय रुक जाता है, घड़ी बंद हो जाती है, क्यों, क्योंकि इतने भाव से दर्शन करते हैं महाप्रभु, राधा रानी कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो ऐसा होता है एक अंग का दर्शन करके दूसरे अंग में जाए ना तो कितना समय, युग व्यतीत हो जाता है, और हम तो एक सेकेंड में पूरा दर्शन करके भाग जाते हैं ना, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली गोपियां है कृष्ण को, और आंख बंद करे वो, क्योंकि उनको हर जगह पर कृष्ण दिखते हैं, हर जगह पर कृष्ण देखते हैं, और हम कृष्ण को देखने का प्रयास करते हैं हर जगह पर, अंतर इतना है कि गोपियों को हर जगह पर कृष्ण देखते हैं और हमें, हम कृष्ण को देखने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित सम दर्शन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिश्चय च पाके पंडित, एक साधु हर जगह पर हर व्यक्ति के अंदर किसको ढूंढता है, भगवान का दर्शन करता है, पर गोपियों को हर जगह पर कृष्ण दिखते हैं, जब वो भोजन करे तो भी कृष्ण दिखते हैं ना, तो वो रोटी की जगह पर अपने पुत्र को रख देती है देखो, और उनमें भी भगवान के मुख से अगर बांसुरी की आवाज सुने तो सब जीरो हो जाता है, सब शून्य हो जाता है, रोटी की जगह पर अपने पुत्र को रख देती है, भूल भगवान का स्मरण आकर सब कुछ भूल जाती है कि मैं रोटी रख रही हूं चूल्हे पर या अपने बेटे को रख रही हूं, सब भूल जाते हैं। कुएं के अंदर जब निकालते हैं ना पानी, बाल्टी से पानी निकालते हैं, और जैसे कृष्ण का स्मरण आ गए, भगवान के नेत्र का दर्शन, मुखारविंद का दर्शन सामने आ जाए, तो बाल्टी की जगह पर अपने पुत्र के गले में रस्सी डालकर डाल देती है, ये भाव है। सोचो जब भजन की ये अवस्था आ जाए ना, तब हमारी अवस्था ठीक है, और हम तो बहुत पीछे है यहां पर, है ना, इसलिए गोपियों को प्रेम की और भक्ति की दजा की गई है। भगवान सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते हैं, गोपियों, क्योंकि गोपी हमेशा भगवान के मुखारविंद को देखती रहती है और ध्यान करती है, इसलिए गोपियां ध्यान करती है वृंदावन में, क्या ध्यान करते कि भगवान हृदय से निकल जाए, क्योंकि अंदर रहते ना तो कुछ सूझता नहीं है, काम कुछ चलता नहीं है, सब गड़बड़ हो जाती है, तो कृष्ण जल्दी तू बाहर निकल तो मैं दूसरा काम कर पाऊ, और हम यहां पर भगवान को लाने का ध्यान करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आ जाए, और गोपियां क्या करती है, अपने हृदय से भगवान को बाहर भगाने का काम करती है, बस हमारे और गोपियों के भक्ति में इतना अंतर है कि हम खींच खींच कर भगवान को, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, जैसे हम खींच रहे भगवान राम 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 राम। और प्रभुपा जी यही कहते हैं ना कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, जैसे छोटा बालक अपनी मां को रोते हुए पुकारता हो, वैसे हमें भी भगवान को रोते हुए पुकारना है। गोपियां ने भी भगवान को कैसे पुकारा,
जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वदत्र ही। उन्होंने भी रोकर ही पुकारा था ना। गोपी ने भी क्या किया था, भगवान कृष्ण के गीत गाया था, गोपी गीत गाया था। हम भी गा रहे, मैंने कीर्तन गा रहे, पर कीर्तन हम भगवान के लिए नहीं गा रहे, दुनिया के लिए गा रहे। ये सब सुने मेरा आवाज, सब मेरा कीर्तन सुने, और सब कीर्तन देख सुनकर बोले ओह वाह वाह क्या सुंदर गाता है। पर हमें दुनिया के लिए नहीं गाना है, हमें किसके लिए गाना है? जितना हमारा आवाज राग जैसा भी हो, स्वर जैसा भी हो, पर हमें गाना किसके लिए है? कृष्ण के लिए गाना है। क्योंकि गाने से भगवान नहीं आए, क्योंकि गाना यानी राग में राग आ जाता है ना। राग में क्या आ जाता है? राग द्वेष। राग गाने में राग आ जाता है, दो राग है, एक राग ये है और अंदर वाला राग कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूं। तो ये राग से भगवान नहीं आएंगे, भगवान अनुराग से आएंगे। हमारा स्वर कैसा भी हो भगवान को नहीं देखते, हमारा राग कैसा हो भगवान नहीं देखते, पर हमारे अंदर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का कितना अनुराग है भगवान वो देखते हैं। और जब राग के स्टेप से हटकर अनुराग में आ जाए तो फिर भगवान का गाना बंद हो जाता है, भगवान को पुकारना शुरू हो जाता है। गोपी गीत गाया नहीं था, पर साथ साथ मैंने क्या किया था, गोपियों को, गोपियों ने कृष्ण को पुकारा था। और हम प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान को क्या करते हैं? पुकारते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, फिर भी भगवान नहीं आए। और तीसरा जो था, फिर गोपी ने भगवान को गाया, भगवान को पुकारा, और पुकारते पुकारते जब गोपियों के आंख से अश्रु निकला, भगवान तब आए। और महाप्रभु ने यही हमें सिखाया, नयनम गलद अश्रु धाराया, रोए बिना भगवान मिलने वाले है। छोटा बच्चा जैसे अपने मां के लिए रोता है, वैसे एक साधक, एक वैष्णव भगवान कृष्ण के लिए रोए, ऐसा रोए, ऐसा रोए कि भगवान अपने धाम को छोड़कर वो भक्त के पास आ जाए कि मैं तेरा रोना देख नहीं पा रहा हूं और तू थक भी नहीं रहा है पुकारते पुकारते, इसलिए मैं आ गया, चल मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। और तब हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो यहां पर यही बात हो रही है कि भगवान का दर्शन करते हुए कुरुक्षेत्र के योद्धाओं ने वैकुंठ की प्राप्ति कर ली है। उद्धव जी भगवान के स्मरण कर रहे थे कि भगवान की कृपा तो देखो कितने दयालु है कि भगवान के विरोध करने वाले को भी वो अपने धाम दे देते हैं, तो भजन करने वाले को भगवान क्या नहीं दे। तो यही सार है। नौ बज गए हैं, हम ज्यादा अतिक्रमण नहीं करना चाहते और हमारी भी यात्रा है आगे। हमें क्लास आज सेवा करने का अवसर मिला था इसलिए हम आ गए। तो आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का एक घंटा मुझे भगवान के गुणगान के लिए मिला और आपके श्रवण से और उत्साह मिल गया। और प्रश्न इच्छा है पर नहीं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है पर नहीं हो पा रहा है, ऐसा है। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास चालू है, पर जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे गांव का एग्जाम्पल देता हूं ना, जो गांव में कुआ होता है ना, कुएं में पानी होता है, ठीक है, वो पानी को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, पाइपलाइन और मोटर होती है ना, वो जिनको स्विच अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मान लो कि कुएं के अंदर पानी है, उनको हमें बाहर निकालना है। हाँ, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, उनको बाहर निकालना, वैसे ही हुआ। तो कुएं के अंदर पानी को अगर बाहर निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोटर डालना पड़ेगा और फिर स्विच ऑन करो तो पाइपलाइन से अंदर का पानी बाहर आएगा, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है, आपका प्रश्न ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति तो कर रहे, भगवान को प्राप्त करने की भी इच्छा है, परंतु वो आ नहीं रहा है, कृष्ण प्रेम आ नहीं। वैसे ही यहां पर कुएं के अंदर पानी है
मोटर भी चालू है परंतु पानी बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको मालूम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पानी के अंदर एयर आ जाती है, हवा आ जाती है, हवा के कारण कुएं का पानी बाहर नहीं आ सकता। खाली आवाज आ रही है, मोटर चालू है, पानी भी दिख रहा है, पर अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में हवा है। वो हवा क्या है? वो है अहंकार। वो हवा क्या है? वो है ईर्ष्या। वो हवा क्या है? जब ये निकलेगी तो क्या होगा कि अंदर का जो पानी वो बाहर आ जाएगा। वैसे ही हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है और हम बाहर से प्रयास कर रहे हैं, बाहर से प्रयास कर रहे हैं बाहर निकालने का, पर क्या हो रहा है? वो आ नहीं रहा है। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर की हवा है। जब तक वो क्लीन नहीं होगी तो तब तक वो बाहर, तो कैसे निकालेगी? आपको मालूम उनकी क्या है उनका प्रोसेस? अंदर के पानी को बाहर निकालने के लिए बाहर से पानी डालना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। अगर बाहर से पानी डालोगे तो बाहर से बाहर का पानी जैसे अंदर जाएगा और अंदर के पानी को टच करेगा तो खींच के, वैसे ही हमें भजन प्रयास करते 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 नाम लेते 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 एक बार अगर शुद्ध नाम निकल गया तो अंदर की कृष्ण प्रेम को बाहर निकाल देगा, है ना। तो ये प्रोसेस में हम क्या है, प्रोसेस में, बस ये प्रोसेस करता रहना है, प्रतिदिन नाम लेते रहना है। एक दिन शुद्ध नाम ऐसा निकलेगा जो डायरेक्ट कृष्ण प्रेम को खींचकर बाहर ला जाए। और हम प्रतिदिन यही प्रार्थना करते हैं ना कि शीघ्र से अति शीघ्र क्या प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम की, तब प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक, क्या क्या हाँ, एक्चुअली भगवान के पास न तो स्पिरिचुअल इच्छा करो न आध्यात्मिक इच्छा करो। हमें खाली भगवान, मैं भजन करूंगा तो वैकुंठ जाऊंगा, मैं भजन करूंगा तो गोलोक जाऊंगा। अगर शुद्ध भजन करोगे तो कहने की जरूरत नहीं है, भगवान हाथ पकड़कर गोलोक ले जाएंगे, है ना। बच्चे को कभी माँ के पास भूख लगा है मुझे दे दो, माँ को मालूम ही है कि मेरे बेटे को भूख लगी है। जो भगवान चाहते, भगवान को मालूम ही है, बस हम प्रयास करें, कहने की जरूरत नहीं है। कहने के बाद क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी तो स्वार्थी हो जाएगा। क्या मैं इतना भरोसा नहीं अपनी माँ पर कि उनको कहो तभी भोजन दे? बिना कहे भी, संसार की भौतिक माँ बिना कहे भी भोजन दे सकती है, तो आध्यात्मिक धाम के भगवान कृष्ण बिना कहे हमारी बात समझ लेंगे। पर शुद्ध भाव होना चाहिए बस। ठीक है, ओके। क्या क्या? हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ भगवान को, हाँ ये जो बात हो रही थी द्वारका, हमें तो मक्खन देना है क्योंकि हम गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानु दास, हम तो गोपियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं ना। और गोपियां क्या तैयार रखती थी कृष्ण के लिए? माखन तैयार करती है। ये ऐश्वर्य भाव वाली बात है। ये तो भगवान जब वहां थे द्वारिका में थे और वहां पर जब माँ देवकी ने रोहिणी ने जब ये दिया मक्खन तो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा पर किसकी याद आ गई? पर हमारा भाई ऐश्वर्य वाला है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यह भी बताया है कि वैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर है। वहां पर ऐश्वर्य है और यहां पर प्रेम छुपा है। वहां पर भगवान के हाथ में चक्र है, वैकुंठ में भगवान नारायण विष्णु के हाथ में चक्र है और हमारे गोलोक में कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। और वैकुंठ में जो भगवान नारायण के हाथ में चक्र है वो तो मारना काटने का काम है, परंतु कृष्ण जब बांसुरी का नाद करते हैं तो हमारे अंदर अंदर के असुर को मार देते हैं ये फ्लूट का, क्योंकि वो वैकुंठ में वो मात्र मात्र कहां पर है? और वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ में गरुड़ जी है। वैकुंठ में भगवान का वाहन क्या है? वैकुंठ, गरुड़ जी। और गोलोक वृंदावन में क्या है? क्या है वहां पर वाहन? ये है कि भाई गरुड़ के ऊपर बैठेगी फिर भगवान जाएंगे। तो वृंदावन ब्रज में जो कृष्ण है उनका वाहन क्या है? वो कौन सा वाहन है?
जब कोई शुद्ध भक्त प्रेम से हरि नाम लेगा, भगवान ऑन द स्पॉट विदाउट गरुड़ आपके पास पहुंच जाएंगे। ये अंतर है, बहुत अंतर है, 23 अंतर है। वैकुंठ और गोलोक में कितने अंतर है? 23 अंतर है, पर नेक्स्ट टाइम चर्चा करें। दो ही अंतर ठीक है, ज्यादा फिर है ना तो भी हम कह देते हैं। एक और अच्छा अच्छा याद आ गया, वैकुंठ में भगवान विष्णु को दूर से प्रणाम किया जाता है, दूर रहते ना एकदम दूर, और दूर से प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु। पर गोलोक वृंदावन में भगवान के सिर पर चढ़ जाते हैं, ये अंतर है ना। तो ऐश्वर्य भाव और प्रेम भाव में बहुत अंतर है। और हम किस रस के उपासक हैं? पर किया भावे जहां ब्रजे तो प्रचार, हम वही रस के आस्वादन करने वाले हैं, क्योंकि हम गोपियों के पच्चीनों पर चलने वाले, उनके दास दास और दासानुदास है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा माधव अष्ट सखी की, श्री पंच तत्व की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, समवेद भक्त वृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे वंशात कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो। धन्यवाद।